आपके लिए बनाने जा रही हूँ आमंड यखनी। यखनी तो आपने सुना ही होगा, मटन ब्रॉथ को कहते हैं। वो अपने आप में ही बहुत न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन उसमें मैंने एक बहुत सिंपल सा ट्विस्ट डाला है और वो है आमंड्स का। इसके अंदर मैं आमंड पेस्ट और चॉप्ड आमंड्स डालूंगी। तो शुरुआत करते हैं पैन को हीट करने से। पैन को हीट करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी खड़े मसाले, तेज पत्ता 1 से 2, थोड़ा सा सौंफ, जीरा, मोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, हल्की सी जावित्री और पत्थर के फूल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसाला है इस यखनी को बनाने के लिए। ये हम थोड़ी सी क्वांटिटी में डालेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे मटन पीसेस। और ध्यान रहे, इस रेसिपी में हमें मटन बोन्स के साथ चाहिए। इसके अंदर हम डाल रहे हैं बोन्स वाला मटन। मैं इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि मटन में ऑलरेडी फैट होता है और वो फैट मेल्ट होते होते हमें काफ़ी सारा ऑयल दे देगा इस यखनी के लिए। हमें मटन को तब तक भूनना है जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाता। जब तक ये भुन रहा है मैं तब तक अपने बादामों को काट लेती हूँ। बादाम को मैंने ऑलरेडी भिगो कर रखा हुआ था और इसका हमने छिलका निकाल दिया है। अब मैं इसको स्लाइस करूँगी, थिन स्लाइस, क्योंकि बादाम की यखनी है तो इसमें बादाम काफ़ी जाएंगे। अगर आप बादाम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप अखरोट की यखनी बना सकते हैं या कोई भी और ड्राई फ्रूट जो आप यूज़ करना चाहें वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बादाम की यखनी सबसे ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये डिश क्विक होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी रिच। तो विंटर्स में अगर आपको कोई होलसम मील लेनी हो तो बादाम की यखनी ज़रूर बनाएं। अब आप देख सकते हैं कि ये मटन ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर पानी डालेंगे। साथ ही मैं ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और अब इसे ढक के उबलने देंगे। एक्चुअली यखनी बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन हमने बहुत ही क्विक मेथड से ये यखनी बनाई है। इट्स बिन बॉइलिंग फॉर 5 to 7 मिनट्स। नाउ इट्स टाइम टू टेक इट ऑफ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सारे खड़े मसालों की और उसके अंदर ये मटन की, अमेजिंग। अब ये 5 से 7 मिनट तक के लिए उबल गया है। अब मैं इसको छान लूंगी और जितना भी ये मटन और खड़े मसाले हैं इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। Here we go. अब मुझे इसे एक पैन में ट्रांसफर करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आमंड पेस्ट, उन बादामों से बनाया हुआ है जो कि ओवरनाइट सोक किए थे और उनकी स्किन रिमूव कर दी है। तो हमारे पास है ये वाइट कलर का आमंड पेस्ट। अ क्विक स्टर। अब हम इसे बॉयल होने देंगे और जब तक ये बॉयल हो रहा है मैं इसकी प्लेटिंग की तैयारी करती हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पेपरकॉर्न्स या फिर मिर्ची का फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन मैंने खड़े मसालों का फ्लेवर एकदम ऑथेंटिक वे में इंटैक्ट रखा है। इसके बाद मैं इसको गार्निश करूंगी हमारे स्लाइस्ड आमंड से, काफी सारे आमंड क्योंकि ये आमंड यखनी है। और साथ ही में इसके ऊपर जाएंगे ये फ्राइड अनियंस। अनियंस को स्लाइस करके डीप फ्राई कर दीजिए जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। दे गो वेरी वेल विद यखनी।
और मेरे पास यहाँ पे कुछ फ्रेश कोरिएंडर है, उसका एक स्प्रिग लगा देंगे ऑन टॉप जस्ट फॉर अ डैश ऑफ कलर। और ये तैयार हो गई हमारी रिच एंड क्रीमी आमंड यखनी।